नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। ताकत बढ़ती है वहां जहां होती है एकता, ताकत बढ़ती है वहां जहां होती है एकता, इसलिए मिलती है दुनिया में सफलता। सारी उंगलियां समेटो तो मुट्ठी बन जाती है, यही है निशानी ताकत की जो एकता कहलाती है। विविधता में एकता हमारे देश की शान है, तभी तो सारी दुनिया में हमारा भारत महान है। आपको बता दें कि विविधता में एकता का प्रतीक कहे जाने वाले हमारे देश, राज्य और शहर में एक बार फिर हर धर्म के धर्म गुरुओं की उपस्थिति में सूरत के रांदेर विस्तार में स्थित खानगा स्ट्रीट खानगा हॉल में आज रोज आयोजक जनाब हाजी इम्तियाज भाई बॉम्बे वाला, यूसुफ भाई आजम शेख और प्रेसिडेंट ऑफ लेट यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट जनाब हाजी जुनेद भाई ओरावाला की विशेष उपस्थिति में एकता सम्मेलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर शहर की महान हस्तियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि हमारे भारत देश की समानता, भाईचारा, एकता और बिन सांप्रदायिकता के गुणों को ध्यान में रखते हुए आज रोज सूरत के रांदेर विस्तार में स्थित खानगा स्ट्रीट खानगा हॉल में एकता सम्मेलन तथा सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये आयोजन संयोजक टीम जनाब इम्तियाज भाई बॉम्बे वाला, यूसुफ भाई आजम शेख और प्रेसिडेंट ऑफ लेट यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट जनाब हाजी जुनेद भाई ओरावाला के नेतृत्व में आयोजित किया गया और साथ ही रांदेर सर्व समाज की ओर से गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर श्री एवं गुजरात राज्य भारतीय जनता पार्टी के लघुमति मोर्चा के उपप्रमुख जनाब जहीर भाई गनी भाई कुरेशी साहब के सम्मान समारोह तथा हर धर्म के धर्म गुरुओं के भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रोग्राम में हर धर्म के धर्म गुरु और अनुयायियों ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई और विविधता में एकता और भाईचारे तथा सम्मानता की मिसाल कायम की। आपको बताते चले कि आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं ने अपनी महान उपस्थिति दर्ज करवाई और साथ ही सभी धर्म के अलग अलग सोशल वर्क से जुड़े सभी सदस्य और विविधता में एकता और समानता को बरकरार रखने वाले सभी अहम भूमिका निभाने वाले सभी अनुयायी उपस्थित रहे। आयोजित इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी धर्मों के धर्मगुरु और जनाब जहीर भाई कुरेशी का सभी द्वारा सम्मान किया गया और देशवासी, राज्यवासी और शहरवासियों को एकता, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आयोजित प्रोग्राम की शानदार शुरुआत तिलावत कुरान के साथ की गई और समग्र कार्यक्रम समापन होने के बाद सभी उपस्थित मेहमानों द्वारा नो ड्रग्स इन टू सूरत सिटी अभियान के तहत आज की युवा पीढ़ी तथा समाज में ड्रग्स के खिलाफ सभी को अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई गई। समग्र कार्यक्रम को सफल बनाने में और आयोजित मेहमानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, इस बात का भी खास ख्याल संयोजक टीम और सभी टीम मेंबर्स शाहिद भाई, सोहेल भाई और हनीफ भाई सिंह वाला तथा सभी टीम मेंबर्स द्वारा रखा गया और संयोजक टीम द्वारा खड़े पैर रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। कैमरामैन सादिक पठान के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। आज सूरत की सरजमी रांदेर में कौमी एकता के जो माहौल देखने को मिल रहा है, इस हमारे सभी धर्म गुरु आज हमारे साथ उपस्थित रहे। जो हमारे धर्म गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, साथ में आज हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे कौमी एकता के हर हमेश सकार देने वाले ऐसे शौकत भाई मिर्ज़ा और हमारे काफ़ी संस्थाएँ जो सभी धर्मों को लेकर जो खिदमत कर रहे हैं, इम्तियाज़ भाई बॉम्बे वाला, जुनेद भाई ओरे वाला
और उनकी पूरी टीम को आज जो कार्यक्रम में बुलाया, जो मान सम्मान दिया, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में जो मुझे गुजरात सरकार ने वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी, उसके बदले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जो हमारे वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड जो है वो 1997 में एक चैरिटी कमिश्नर में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है वो चैरिटी कमीशन में से पूरी जिम्मेदारी गुजरात सरकार ने वक्फ बोर्ड में ली। तो आज सारी हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है आज वो सुरक्षित है और आज बिल्कुल इंसाफ से वक्फ बोर्ड में सारे काम होते हैं। बस फिर से मैं एक बार हमारे सारे संस्थाओं का और मेरे समग्र मुस्लिम भाइयों का और हमारे सभी धर्मगुरुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी धर्म के लोग जो आज यहाँ महसूस है हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले तो ये कौमी एकता का माहौल है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये माहौल पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हर जगह ये माहौल बना रहे और आने वाले हमारे जो त्यौहार है वो त्यौहार भी हम इसी तरह से मिलजुल कर साथ इकट्ठा कौमी एकता के हम सब मिलजुल कर हर कार्यक्रम हम आगे बढ़े, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करते हैं। ये रांधेर सूरत के अंदर जो रांधेर जगह है यहाँ पे काफी ट्रस है, ये खानगा ट्रस है और खानगा का हॉल है। आज यहाँ पे प्रोग्राम एकता का रखा था जिसमें हर धर्मगुरु ने यहाँ आए थे और हमारे वक्फ बोर्ड के जो डायरेक्टर जो जहीर भाई कुरैशी उनका भी सम्मान किया गया और उनका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम तमाम ट्रस्ट के और वक्फ के जो भी काम होंगे हम करेंगे, लोगों को ये मैसेज देंगे कि भाई ये जो एकता का प्रोग्राम है, सब भाईचारा का प्रोग्राम है, हमारे शहर में, हमारे देश में भाईचारा रहे और जो वक्फ का ये काम हुआ है कि वक्फ के डायरेक्टर जहीर भाई कुरैशी जो उन्होंने वादा किया है कि जितने भी काम हैं वक्फ के रुके हुए हैं या नए काम आएंगे तो मैं जरूर करूंगा, हमारे को बहुत खुशी हुई और काफ़ी लोग यहाँ आए, काफ़ी ट्रस्ट के लोग यहाँ जमा हुए और कई धर्म के, सभी धर्म के लोग यहाँ जमा हुए।